कुरुक्षेत्र के युद्ध को लेकर आपने तीन अलग अलग कहानियां सुनी होंगी। पहली कहानी जो कहती है कि भगवान कृष्ण जब महाभारत के लिए युद्ध भूमि तलाश कर रहे थे तो उन्होंने अपने दूतों को धरती पर भेजा और कहा कि जाओ जाकर देखो कोई ऐसी भूमि जहां पर भाई भाई के खून का प्यासा हो, क्योंकि कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों का कहीं भी विचार बदले, उनके मन में समझौते की बात आए, इसीलिए वो कोई ऐसी भूमि चाहते थे जहां अधर्म का वास हो। कहानी आगे कहती है कि कृष्ण के दूतों ने ऐसी भूमि कुरुक्षेत्र को पाया और कृष्ण को जाकर बताया कि कैसे बड़े भाई ने जब छोटे भाई को खेत की मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा तो छोटे भाई ने उसके लिए इनकार कर दिया और बकायदा अपने बड़े भाई की बेइज्जती की, जिसके बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की जान ले ली, इसीलिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को चुना। दूसरी कहानी कि श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को अपने कंधों पर ले जा रहे थे तब वो कुरुक्षेत्र में आते ही अपने माता पिता से कहते हैं कि आप लोग पैदल क्यों नहीं चलते। उनके माता पिता उनके कंधों पर दोनों तरफ बनी टोकरियों से उतरकर पैदल चलने लगे। जैसे ही कुरुक्षेत्र पार हुआ श्रवण कुमार को ये एहसास हो गया कि उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया है और पैर पकड़कर वो अपने पिता से माफी मांगने लगे, जिसके बाद श्रवण कुमार के पिता ने उन्हें कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, इस भूमि के संस्कार ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ मैं नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था जिसने अपने माता पिता की जान ले ली थी। और तीसरी कहानी ये कहती है कि कुरुक्षेत्र को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि इस भूमि पर जिस किसी को भी वीर गति प्राप्त होगी या जिसकी भी मृत्यु होगी वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त करेगा। ये वरदान देवराज इंद्र ने राजा कुरु को दिया था। इन तीनों कहानियों को सुनने के बाद अब सवाल ये उठता है कि तीनों में से सत्य किस कहानी को माना जाए, तो चलिए आज इसी सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जब हमने कुरुक्षेत्र पर सत्य को तलाशना चाहा तो हमने सबसे पहले भगवद गीता को उठाया। भगवद गीता के पहले ही श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि कहा गया है, यानी कि कुरुक्षेत्र अधर्म की भूमि नहीं थी, यानी कि किसी भाई ने भाई को नहीं मारा था, यानी कि श्रवण कुमार वाली कहानी भी सत्य नहीं है, लिहाजा तीसरी कहानी को सत्य माना जा सकता है जो कहती है कि देवराज इंद्र ने राजा कुरु को कुरुक्षेत्र भूमि के लिए वरदान दिया था। और भगवद गीता ही नहीं नारद पुराण भी इसी की ही गवाही देता है। नारद पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने प्राण त्यागेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। यानी कि नारद पुराण भी कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि कहती है। और गौर करने वाली ये बात भी है कि अगर श्री कृष्ण को अधर्म और पाप की भूमि पर ही महाभारत का युद्ध करवाना होता तो वो हस्तिनापुर की भूमि को ही चुनते, क्योंकि जहाँ पर द्रौपदी का एक महिला का चीर हरण हुआ हो उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की गई हो, उससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। लेकिन अधर्म और पाप की भूमि हस्तिनापुर को छोड़कर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये विश्लेषण, हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।